बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा मुल्क के अंदर एक और मामले की करते हैं और वो कोविड के हवाले से करते हैं। आपको याद होगा कि हर माह डाटा रिलीज होता है मरकजी वजारत सेहत की तरफ से, इस बार भी डाटा रिलीज हुआ है मरकजी वजारत सेहत की तरफ से, जहां चंद रियासतों को हसास रियासतें करार दिया गया है, बाकी रियासतों के लिए कहा गया है कि जनाब नज़र गहरी रखें वरना हालात खराब हो सकते हैं। जी अगर हम बात करेंगे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के मामलों के हवाले से ये डाटा जो सामने है, इसमें 30 अज़ला मुल्क के अंदर जो 30 अज़ला है उनके अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी हाई रिकॉर्ड की गई है, और माना जाता है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% जो है 3% वो मुल्क भर के अंदर, इसमें कमी अगरचे वजारत सेहत की जानब से डाटा शो किया जा रहा है, लेकिन 18 में से 11 रियासतें ऐसी हैं जहां पर 5 से 10% इस पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें इजाफा हुआ है, यानी कि माना जाता है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्फेक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकता है इन्फेक्शन को, इसमें पॉजिटिविटी रेट जो 5 से 10% शो किया जाता है उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा लाहक है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जो अदाद शुमार दिए गए हैं और हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर ये कहा गया कि आज 13वां दिन है जी, यानी कल, आज नहीं बल्कि कल 13वां दिन था जब पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3% के आसपास रही है, जिसे इत्मीनान बख्श भी बताया जा सकता है, लेकिन 11 रियासतों के अंदर 18 ज़िले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के अंदर है, और वहां पर ये डिजीज़ जो है यानी जिसे हम कोविड-19 इन्फेक्शन कह रहे हैं वो ट्रांसमिट जल्दी जल्दी हो रहा है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये क्या कहा गया था कि जनाब 5% से भी कम हमने इसको रखना होगा, और तकरीबन ये 5% से कम कितने दिन तक रखना है, 2 से 3 हफ्तों तक कंटिन्यूसली 5% से कम अगर रहता है तो आप कहीं ना कहीं ग्रीन जोन के अंदर जो है वो रह सकते हैं। और अब जो 30 जिले हैं, 6 रियासतें हैं जिनके बारे में कोविड-19 की रेटिंग जो है पॉजिटिव रेटिंग 10% है या 10% से भी ऊपर है, उनके ऊपर ये कहा गया कि जनाब अब आप एहतियात बरतें और बाहर या अंदर आने वाले लोगों की मुकम्मल तौर पर जांच की जाए, जिनमें केरल भी एक ऐसी रियासत है जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है यानी अभी पॉजिटिव रेट यानी कोरोना पॉजिटिव वाले लोगों की रेट जो है वो बढ़ी है। 5 रियासतों के अंदर 50 से 1 लाख एक्टिव केसेस है, इस तरीके की बात जो है वो कही गई है, और महाराष्ट्र के अंदर 40,000 एक्टिव केसेस अभी भी पाए जा रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर 17,192, मिजोरम के अंदर 16,841, कर्नाटक के अंदर 12,000, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 11,655। ये वो रियासतें हैं जिनको लेकर मरकज को तश्वीश है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है, और यही वजह है कि रियासती इंतजामिया को कहा गया है कि माकूल और मुनासिब इंतजाम जो है वो करवाए जाए। तमाम जम्मू कश्मीर के हवाले से जब आप देखेंगे इस जाविये को तो पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए मरकजी वजारत सेहत की तरफ से फिर भी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए।